और इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने कांग्रेस पर ताजा हमला बोला है। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस अध्यक्ष को घेरते हुए कहा कि राहुल ने सर्जिकल स्ट्राइक का मजाक उड़ाया। संबित पात्रा ने पाकिस्तानी नेता रहमान मलिक के ट्वीट का भी जिक्र किया जिसमें राहुल गांधी को टैग किया गया था कि राहुल जी आपने अपने ट्वीट में जो कहा है, द पीएम एंड अनिल अंबानी जॉइंटली कैरिड आउट 130,000 करोड़ सर्जिकल स्ट्राइक ऑन इंडियन डिफेंस फोर्सेस। आपने सर्जिकल स्ट्राइक को कैपिटल लेटर्स में रखा है और आप कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं प्रधानमंत्री और भारतवर्ष इंडियन डिफेंस फोर्सेस के ऊपर। दिस इज नॉट ओनली डिमीनिंग टू द सर्जिकल स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान, बट द आयरनी इज पाकिस्तान के INB मिनिस्टर ने जो मौकरी आप सर्जिकल स्ट्राइक की कर रहे हैं, जो मजाक आप सर्जिकल स्ट्राइक का उड़ा रहे हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए भारत के ऊपर धावा बोला है, भारत के खिलाफ ट्वीट किया है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।